प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा पहली बार नहीं है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो रहा है। इससे पहले साल 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राज में भी मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हो चुका है। बात उस समय की है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह और केंद्र में सरकार थी राजीव गांधी की। इन्हीं के शासन के दौरान सालों से बंद पड़े मंदिर के दरवाजे खोले गए थे। राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह के साथ तालमेल कर मंदिर के ताले खुलवाए और जिसके बाद 9 नवंबर 1989 में अयोध्या में शिलान्यास हुआ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक हुआ, बल्कि इन सब की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर ही दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू किया गया था। रामायण की उसी प्रसारण से राम मंदिर आंदोलन को ताकत मिली थी। हालांकि राम नाम की राजनीति करने की एक वजह थी। ये वो दौर था जब विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी थी और चुनावों में राम मंदिर मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के मुद्दे को लपक लिया और अपने एजेंडा में शामिल कर लिया। राम के नाम पर देश भर में भक्ति की लहर बहने लगी। राजीव गांधी को सत्ता गंवाने का डर था। यही वजह थी कि उन्होंने 1989 में वीएचपी को शिलान्यास की इजाजत दे दी। लेकिन इसके पीछे एक और वजह थी और वो था सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक मामले में सुनाया गया फैसला। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 को अपना फैसला शाहबानो के पक्ष में दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में मुसलमानों ने राजीव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश में हुए कई उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बाद में फरवरी 1986 को राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला विधेयक 1986 पेश किए और 3 महीने के भीतर ये राज्यसभा से पास होकर कानून बन गया। इसकी वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे। कहा जाता है कि इन्हीं आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए राजीव गांधी ने राम मंदिर में भूमि पूजन की इजाजत दी थी। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अरुण नेहरू ने गो न्यूज इंडिया के संपादक पंकज पचौरी से तब एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने मुसलमानों को शाहबानो दे दिया और हिंदुओं को राम मंदिर। अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की छवि को तोड़ने के लिए ही 1989 में चुनावी रैलियों की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की। लेकिन ताला खुलने और राजीव गांधी द्वारा कराए शिलान्यास का फायदा छका बीजेपी ने। अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और इसका क्रेडिट बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे काफी बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की भी है। यहां तक कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं कि अगर राजीव गांधी मंदिर के द्वार नहीं खुलवाते तो मंदिर का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं हो पाता। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।